रविवार को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला मुख्यालय रिकांगपियो में भी जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने की। इस मौके पर किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान एक पंचायत प्रधान के सवाल पर विवाद भी हो गया था। अब इस विवाद ने थमने की बजाय राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है। जनमंच के दौरान कांग्रेस के विधायक जगत सिंह नेगी ने मंच पर बैठे हिमाचल वन निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी पर अभद्र व अशोभनीय टिप्पणी तक कर डाली थी। जगत सिंह नेगी और उनके समर्थकों द्वारा जनमंच में हंगामा करने के बाद जनमंच का बाइकआउट भी किया गया था। आज विधायक जगत सिंह नेगी और हिमाचल वन निगम के अध्यक्ष सूरत नेगी में फिर से जुबानी जंग शुरू हो गई है। दोनों ही नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर माहौल को गर्म कर रहे हैं। सारी घटना पर शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी का कहना है कि कुछ लोग किन्नौर में हर जन मंच पर यही कहते आए हैं। इससे पहले जिला किन्नौर के पूह में और टापरी में भी जन मंच हुआ था, वहां भी कुछ लोगों ने ऐसी ही हरकतें की थी। उन्होंने कहा कि विधायक ने नौतोड़ के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में NOC मिलने का हवाला दिया। इस पर उन्होंने विधायक से सुप्रीम कोर्ट केस स्टेटमेंट की मांग की ताकि सरकार उस आधार पर काम कर सके। सरवीन चौधरी ने कहा कि मंच पर हिमाचल प्रदेश वन निगम के उपाध्यक्ष को विधायक द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं हिमाचल वन निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में विधायक ने स्थानीय क्षेत्र के विकास निधि का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया है। वे मांग कर रहे हैं कि SIT का गठन करके इसकी गहराई से जांच भी की जाए। उन्होंने कहा कि जिस पंचायत प्रधान के पक्ष में विधायक ने हंगामा खड़ा किया, विधायक ने उस पंचायत को स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का 22 लाख जारी किया था, जिसमें 16 लाख की गड़बड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि विधायक हर विकास व जनमंच कार्यक्रम में मौजूद होकर लोगों के समस्याओं का निराकरण करवाने की बजाय उसमें बाधा डालने का काम करते हैं। वे किन्नौर के विकास में विलीन की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विधायक मर्यादाओं को भूल अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते हैं। वे उनसे हैसियत पूछ रहे हैं। उन्हें ज्ञान होना चाहिए कि सरकार में राज्य मंत्री के स्तर का औहदा उनका है। वहीं किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने बताया कि मंत्री ने महिला से बदसलूकी की। दूसरा, सरकार में बैठे लोग और अधिकारी किन्नौर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जनमंच में लोगों को खुलकर बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा। नौतोड़ भूमि मामले में लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। उन्होंने मंत्री पर भी आरोप लगाए कि उन्होंने नौतोड़ भूमि बारे जानकारी नहीं थी और ना ही उन्हें प्रोटोकॉल का पता है। मंच पर संबोधन में भी उन्हें नजरअंदाज किया गया। उन्होंने बताया कि इस तरह से जनमंचों का आयोजन लोगों का समय और सरकार के धन का दुरुपयोग है। ज्वाला जी के साथ लगते क्षेत्र फकलो के जंगल में अचानक आग लगी। आग कैसे लगी, इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग इतनी तेजी से फैली के देखते ही देखते सारा जंगल जलकर राख हो गया। वहीं आग लगने की सूचना स्थानीय फायर ब्रिगेड को भी दी गई। मौके पर पहुंचे कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। तेज हवाओं के चलते आग तेजी से आगे बढ़ रही थी। ऐसे में कर्मियों को इसे बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने के कारण लाखों के वन संपदा भी जलकर खाक हो गई। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही लोग भी अपने घरों से बाहर निकल गए और आग बुझाने में जुट गए। सोलन में बागवानों और किसानों के साथ अब किसी भी तरह की ठगी नहीं होने दी जाएगी और जो भी आड़ती ठगी करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये कहना है APMC सोलन के सचिव प्रकाश कश्यप का। कश्यप ने बताया कि परवाणू और सोलन मंडी के कुछ
आरती पिछले काफी समय से बागवानों और किसानों की बकाया राशि देने में आनाकानी कर रहे थे। यही नहीं, उन्होंने एपीएमसी का शुल्क भी जमा नहीं करवाया है, इसलिए उनके खिलाफ प्रदेश सरकार के आदेशानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, ताकि किसी भी बागवान और किसान के साथ धोखा न हो। एपीएमसी सोलन के सचिव प्रकाश कश्यप ने बताया कि परमाणु और सोलन मंडी के 36 आढ़तियों को डिफॉल्टर घोषित किया गया है। इन आढ़तियों पर बागवानों और किसानों के करीबन 55 लाख रुपए बकाया है। यही नहीं, इनमें से कुछ ने एपीएमसी का करीबन 20 लाख रुपए निशुल्क भी अदा करना है, इसलिए इन आढ़तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करवाई गई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसानों और बागवानों के साथ किसी भी तरह का धोखा अगर आढ़ती देता है तो उसके खिलाफ इसी तरह से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और किसी भी सूरत में डिफॉल्टर आढ़तियों को बख्शा नहीं जाएगा।